आरती भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। रामगढ़ जिले के कोठार जेल मोड़ के समीप नवनिर्मित वन स्टॉप सेंटर का उद्घाटन आज विधायक ममता देवी ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना और नारियल फोड़कर किया। विधायक ने कहा कि रामगढ़ जिले में सखी वन स्टॉप सेंटर का अपना भवन होना काफी गर्व की बात है। नवनिर्मित भवन के पूर्व वन स्टॉप सेंटर रामगढ़ के मुर्राम कला स्थित पंचायत भवन में चल रहा था, जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा सुरक्षा कानूनी सहित अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी। अब जब वन स्टॉप सेंटर का अपना भवन बन गया है तो ये और भी प्रभावी होगा। सेंटर पर प्रतिनियुक्त अधिकारियों द्वारा ये प्रयास किया जाएगा कि हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सभी तरह की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व में वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से लगभग 28 मामले सामने आए हैं, जिन पर कार्य करते हुए 25 मामलों का निष्पादन कर दिया गया है और 3 का निष्पादन करने का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त श्री नागेंद्र कुमार सिन्हा, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल श्री अवधेश कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती नचिकेता मिश्रा, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी शशांक शेखर मिश्रा, वार्ड पार्षद जयंती देवी उपस्थित थे। रामगढ़ झारखंड से रिपोर्ट जयप्रकाश। वन स्टॉप सेंटर का आज विधिवत यहां उद्घाटन किया गया और साथ ही ये सेंटर पहले भी मुरामकला में चल रही है, जहां पे कई ऐसी हमारी पीड़ित महिला बहनें हैं जिनकी सुरक्षा के लिए ये सेंटर खोला गया है। और इस सेंटर में 5 दिन तक रखा जाता है महिलाओं को, उन्हें कानूनी सलाह दी जाती है, स्वास्थ्य संबंधी सारी चिकित्साएं दी जाती है, सारी सुविधाएं यहां दी जाती है और 5 दिन रहने के लिए। और साथ ही ये सेंटर पहले भी मुरामकला में चल रही है, वहां पर अब विधि पूर्वक यहां पर आज उद्घाटन हुआ है और अब से यहां पे चलेगी और सारी सुविधाएं दी जाएगी। और साथ ही अभी तक में यहां पर 28 ऐसे केसेस आ चुके हैं उत्पीड़न से संबंधित, जिनकी प्रॉब्लम को 25 ऐसे केस हैं जिनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया है और अभी 3 केस अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं। और ये सारी सुविधाएं यहाँ के पीड़ित महिलाओं के लिए है और इसका सही मायने में आज हमारे रामगढ़ में इस तरह के केसेस देखे जाते हैं, जो कि कई सारी महिलाएं हैं जो पीड़ित होती हैं, इधर उधर भटकती रहती हैं, लेकिन ये चीज खुल जाने से उन लोगों को काफी सुविधाएं होंगी। और इसके साथ हमारे साथ सभी विभागीय पदाधिकारीगण, डीडीसी साहब, साथ ही समाज कल्याण विभाग की हमारी मैडम यहाँ उपस्थित है और सभी विभागीय पदाधिकारीगण, हमारे साथ वार्ड मेंबर जयंती देवी भी है और सभी समाज सेवीगण। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।